गुरुग्राम की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 3 नशा तस्करों को नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आरोपियों के पास से 2,27,00,000 की एम्फेटामाइन बरामद की है, जो पार्सल के माध्यम से विदेश भेजी जा रही थी। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गुड़गांव यूनिट ने 3 एक्यूज को अरेस्ट किया है, जो कि ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, जिनमें 2 जो एक्यूज हैं जुबेर और श्रीकांत त्रिपाठी, जयपुर के रहने वाले, और 1 एक्यूज रामलाली, हिमाचल से बिलोंग करता है। ये तीनों एक सिंथेटिक ड्रग है एम्फेटामाइन, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू करीब 2.5 करोड़ है। उसको कोरियर के माध्यम से और इसराइल नेशनल के किसी के पास इसराइल में कोरियर करवाने की कोशिश कर रहे थे। कितनी मात्रा में ये जो एम्फेटामाइन जो सिंथेटिक ड्रग है 513 ग्राम पड़ी है। ये कहाँ से पकड़ा गया? ये बेसिकली इन्होंने कोरियर करवाया था जयपुर से, और वो गुड़गांव के अंदर जब उसकी स्कैनिंग हुई तब उन्होंने पता चला कोई साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, तो बीइंग नोडल एजेंसी हमें इंटीमेट किया गया और हम तब इसको चेक किया तो एम्फेटामाइन था, तो उसी के बेस में फिर FIR दर्ज की गई और इसकी फिर बैकवर्ड लिंकेज के अंदर हम गए, तब हमें पता चला कि इसके अंदर ये लोग इन्वॉल्व हैं। अभी इसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इसका मेन सप्लायर कौन है। दिल्ली के अंदर भी एक एक्यूज का नाम आने अभी आया हमारे सामने, तो वो आगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल टीम ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसे ये पता लगाया जा सके कि ये आरोपी नशे के कारोबार में कब से लगे हुए हैं और कहां कहां नशे की खेप को सप्लाई कर चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।